क्या हमारे सेना के जवानों को आतंकवादी ठिकाने को धराशायी करने के बाद वहां पर खड़े होकर काउंट करना चाहिए था 1 2 3 4 5? अरे 2 4 होते तो हम बता भी देते, ये भी इतने सारे अंदर बताएंगे। और वीरों का काम लाशें गिनना नहीं हुआ करता, वीर लाश गिराता है आगे बढ़ जाता है। युद्ध वीर लाशें नहीं गिना करते, जो गिद्ध वीर होते हैं वो लाशें गिना। रहते क्या भाई, मान लिया आप कह रहे हैं तो मान लेता। मैं कहा मानेंगे क्यों? मेरा भाइयों, देश का गृह मंत्री होने के नाते आपको मैं कहना चाहता हूं, जो काउंटर ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मेरी माता का, मैं बताना हूं क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हुआ है, पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर हुआ है, जमकर हुआ है, दुरुस्त हुआ है, खूब हुआ है। जितना आप चाहते हैं उससे भी अधिक हुआ है। आप कहते हैं कि ठीक है, मान लिया कि आप लोगों ने आतंकवादी ठिकाने को साफ कर दिया, आतंकवादियों को मार डाला, लेकिन इस अवसरे मोदी को क्यों गिनना चाहिए? मैं एक सवाल करता हूं कांग्रेस के दोस्तों से। पिछली सभा में उन्होंने कहा 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था। हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। देश के सवाल पर बहनों भाइयों पीछे नहीं रहना चाहिए, देश के सवाल पर वोट की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और मैं तो कहता हूं हम लोगों का राजनीतिक जीवन इस प्रकार का है कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसीलिए हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और ये पूछते हैं कि क्यों मोदी जी की प्रशंसा की है? यदि 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए इंदिरा गांधी की जय जयकार हो सकती है, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी मोदी जी की जय जयकार क्यों नहीं हो सकती है? वही सवाल इस सवाल का उनके पास कोई नहीं। और यकीन रहना करना मेरे बहन भाई, देश के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगी। भारत माता का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। मैं घटना का जिक्र कर रहा था पिछली सभा में, बॉर्डर शेडो की फोर्स हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2014 का सितंबर अक्टूबर का महीना था, रात को 10:30 बजे सोए हुए मैं भी टेलीविजन चलाकर देख रहा था, खाना वाना खाने के बाद खबर आई एकाएक ब्रेकिंग न्यूज, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को पाकिस्तान ने बॉर्डर पर गोली चलाकर मार डाला। मैं भी परेशान हुआ, तुरंत मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक को टेलीफोन करके पूछा कि मैं टेलीविजन पर खबर देख रहा हूं क्या है। उन्होंने कहा सर वेरी अनफॉर्चुनेट ये घटना घटी। मैंने कहा हमारी फोर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा था हम लोगों ने 16 बार पाकिस्तान को झंडे दिखाए। मेरा क्या है झंडा? कहे साहब ये पहले से परंपरा है, व्हाइट फ्लैग दिखाओ, पहले व्हाइट फ्लैग सफेद झंडा दिखाओ, पाकिस्तान गोली वो गोली चलाता है। मैंने कहा कब का आदेश? कहा साहब बहुत पहले से आदेश है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा साहब इसका मतलब ये होता है व्हाइट फ्लैग दिखाने का कि ये पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ बैठ कर बात करना चाहते हैं, मामले को सुलझाना चाहते हैं, हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहते। मैंने कहा 16 बार व्हाइट फ्लैग दिखाने के बाद पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा था अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आगे क्या सोचा है डायरेक्टर जनरल? उन्होंने कहा
क्या भी हमने सोचा है सर 17वीं बार एक बार और व्हाइट फ्लैग दिखाएंगे, यदि नहीं माना पाकिस्तान तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। बहनों भाइयों, मेरा भी मिजाज थोड़ा गर्म हो गया और मैंने कहा कि मेरा अभी से टेलीफोन पर ही मैंने कहा मेरा बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर है, एक तो 17वीं बार पाकिस्तान को व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाया जाना चाहिए नंबर वन, और नंबर टू आगे तक के लिए आदेश है, आगे तक के लिए आदेश है, पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उधर से एक ही गोली चल जाती है, भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। हम लोग मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करते, अब शब्दों का प्रयोग किसी के बारे में, इसीलिए मैंने कहा बहनों भाई देश आगे बढ़ रहा है, देश की ताकत बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप पूछिए तो आप यहां से बहुत सारे लोग विदेशों में पढ़े होंगे, 5 वर्ष पहले भारत के बारे में क्या परसेप्शन था दुनिया के दूसरे देशों में, और आज भारत के बारे में दुनिया के दूसरे देशों में क्या परसेप्शन है, धारणा लोगों की आपने देखा होगा, आपको जानकारी भी समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से भी मिली होगी। हमारे वैज्ञानिकों ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार की है। आप ये कहेंगे एंटी सैटेलाइट मिसाइल है क्या, क्यों तैयार की? बहनों भाइयों, ऊपर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट चलती रहती है, वहां से जो सिग्नल्स आते हैं उन्हीं से नीचे रेगुलेट किया जाता है, हवाई जहाजों का धड़ाधड़ एक दूसरे के पीछे दौड़ना, इधर से भी उधर से भी कोई किसी से नहीं टकराता है, ट्रेनों का चलना, अन्य भी बहुत सारे काम धाम सैटेलाइट आने वाले सिग्नल्स के द्वारा ही होते हैं। दुनिया में किसी देश के सैटेलाइट को यदि आप तोड़ दीजिए तो देश की व्यवस्था कुछ समय के लिए पूरी तरह से ठप हो जाए। अब दुनिया में 3 देशों के पास वह ताकत है, रूस, चीन और अमेरिका, जो कि दुनिया के किसी देश की सैटेलाइट को तोड़ सकते हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा और वहां की सारी व्यवस्था को ठप कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने भी 2007 में क्षमता हासिल कर ली थी, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनसे आग्रह किया डॉक्टर साहब हम वैज्ञानिकों ने भी रूस, चीन, अमेरिका की तरह एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने के लिए क्षमता हासिल कर ली है, हम सबको इजाजत मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब भले आदमी सही आदमी, उन्होंने कहा कि नहीं काहे को इस चक्कर में पड़े, शायद उन्होंने सोचा होगा कि दूसरा चीन अमेरिका नाराज हो जाए। लेकिन जब 2014 आया, हमारे प्रधानमंत्री से जब DRDO और इसरो के वैज्ञानिकों ने पूछा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मेरे वैज्ञानिकों वो है आगे बढ़ो, जाओ और एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार करो और एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनवाइए तैयार, और वह ताकत हम लोगों के पास होगी, वह ताकत हम लोगों के पास होगी। यदि दुनिया का कोई देश हमारी सैटेलाइट को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो ही वो अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल हमारी सैटेलाइट को तोड़ने के लिए लॉन्च करेगा, उसके लॉन्च करने के 3 मिनट के अंदर ही हमारी एंटी सैटेलाइट मिसाइल उसे मार गिराएगी, उसे खंड खंड कर देगी। यह ताकत भारत के अंदर, भारत स्पेस पावर बन गया, दुनिया के 4 स्पेस पावर है, भारत भी बन गया है। हम अपनी ताकत को जल में भी बढ़ाएंगे, हम अपनी ताकत को थल पर भी बढ़ाएंगे और अपनी ताकत को हम नभ पर भी बढ़ाएंगे, आगे भी बढ़ाना होगा, लेकिन ये हम ताकत बढ़ाएंगे तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि हमारी पॉलिसी पूरी तरह से साफ है, क्रिस्टल क्लियर, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, जरूरत है देश को आगे ले जाने के लिए NDA की। काश्मीर का जहां तक सवाल है, अभी आपने सुना होगा कुछ ही दिनों पहले वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने कह दिया
भारत में दो प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर का पहले होता था, जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर होगा और एक भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी उन्होंने मान लिया कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मेरे भाई, जो ही स्टेटमेंट मैंने सुना तुरंत मैंने रिएक्ट किया और मैंने कहा एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही है। तब सुन लीजिए, यदि देश में दो प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर की धारा 370 और 35 ए समाप्त करने के अतिरिक्त तो हमारे पास कोई विचार नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है, रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उस हमसे अलग नहीं। Yeah!